No,
Sazimana, 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 Sazimana,
No, 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 no,
कुटुंब परिवार करना पालन रे करके दृढ़ सभी मेरे नेम होकर अति प्रसन्न रे धर्म भक्ति करेंगे क्षेम। बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन। जय स्वामीनारायण प्रकाश भाई। जय स्वामीनारायण। खूब खूब स्वागत आपका आज यहाँ पे। धन्यवाद। बहुत दिनों बाद हाथ में आए। प्रकाश भाई सबसे पहले तो बताइए कि आपका सत्संग में आना कैसे हुआ, गुरु जी से मिलना कैसे हुआ? मतलब हमारी भाभी आया करती थी सत्संग में, तो उसके बाद हमारे फादर कुछ बीमार थे तब गुरु जी घर पर आए थे, तो तब वहाँ गुरु जी से वही गुरु जी अपार्टमेंट में भिक्षा लेने भी आया करते थे, तब वहाँ पर देखा था भाई भिक्षा लेने आए संत लोग, तब ऐसा था। तो उसके बाद हमारी भाभी आना शुरू हुए, फिर उन्होंने ऐसे ही संकल्प करा कि भाई मैं भी
हम भी जुड़ जाने चाहिए, वो जुड़ गए थे तो हम शुरू शुरू में आया करते थे, बस 5-10 मिनट के लिए जय समय करा और चले जाया करते थे। तो धीरे धीरे मंदिर आना रेगुलर कैसे शुरू हुआ? जैसे शुरू में आप कह रहे थे बस कभी कभी आए 5-10 मिनट हो गए, तो धीरे धीरे वो आना बढ़ता कैसे गया और इन्वॉल्वमेंट कैसे बढ़ती गई? बस गुरुजी फिर उसके बाद अपार्टमेंट आए तो बहुत अपार्टमेंट बहुत आया करते, तो फिर वहाँ बुलाते थे, फिर वहाँ तो फिर कहते थे मंदिर आया करो, तो मैं सुबह घर से जब निकलता था तो मंदिर होता हुआ निकल जाता था, गुरु जी दर्शन करें महाराज के, गुरु जी के दर्शन करें, 5-7 मिनट रुका और निकल जाता था। तब गुरु जी बोलते थे शाम को आना, मैं कहाँ जी करता था और निकल, शाम को 7-7:30 बजे 7:45 बजे निकलता था, तो घर का रूटीन था भाई खाना खाने का, 8:30 बजे करीब खाना खा के फिर हम वॉकिंग पे जाया करते थे। तो मैं 103 में तब गुरुजी रहते थे, तो उसके पीछे वहाँ पर NDBL का एक बूथ बना हुआ है तो उसके बिल्कुल पीछे था, तो बस वहाँ सड़क से जैसे हमने करता और सीधा घर निकल जाया करता था। फिर ऐसे रूटीन चलता ही रहता था, फिर सुबह आता था तो गुरुजी मैं जैसे ही भी ठाकुर जी के दर्शन करूँ तो गुरुजी तुरंत पूछे विनोद भाई नहीं आए, फिर उसके बाद सूर्य स्वामी मिलूँ तो वो कहे तुम विनोद भाई नहीं आए, फिर निष्काम भाई थे वो पुराने तो वो भी बोलते थे कि विनोद भाई नहीं आया, तो मैं सबको ही कहता था अभी आएंगे, क्योंकि उनका रूटीन था 1:30 बजे का, मैं 10:30-11 बजे निकल जाया करता था, रूटीन मेरा 10:30-11 का था, तो डेली का रूटीन यही था। मैं ठाकुर जी के दर्शन जैसे ही करने पहुँचूँ गुरु जी पूछे मेरे से भाई विनोद भाई नहीं आए, मैं सहज ही कहता था अभी आएंगे, तो ऐसे रूटीन चलता रहता, सब पूछते रहते थे, तो रूटीन चलता और गुरु जी कहते भी रहते थे शाम को आने में कहाँ जी, बस फिर मैं ऐसे ही निकल जाया करते, शाम को नहीं आया करता था। तो फिर जब निकल जाते थे तो उसके बाद धीरे धीरे अंदर कैसे आए? एक दिन गुरुजी ने मैं आया सुबह सुबह तो बोले शाम को आओगे कुछ काम है, तो जब गुरुजी ने कहा काम है तो मैंने कहा हाँ मैं काम है तो मैं ज़रूर आऊँगा। फिर शाम को मैं चांदनी चौक से निकला 7:30 बजे 7:45 बजे मैं मंदिर पहुँचा, तब वहाँ कुछ सभा चल रही थी और वच्छराज भाई कुछ पढ़ रहे थे, तो मुझे पता नहीं, मुझे नया था तो मुझे पता नहीं पढ़ रहे थे, तो फिर वो ऐसी बात कर रहे थे भाई ये कुछ एकादशी है तो ये नियम की एकादशी है, तो जैसे ही मैं आया तो गुरुजी ने वच्छराज भाई से नियम के जो पेपर पढ़ रहे थे उन्होंने ले लिया उनसे और बोले भाई मेरे को दो, तो जैसे ही मैं बैठा तो गुरुजी कुछ नहीं लिखने लग गए उसको, तो मेरे भी दिमाग में ये हुआ कि भाई मैं आया तो ठीक है, मेरे आते ही गुरुजी ने लिया और कुछ लिखना चालू कर दिया, तो मैं चलो लिख रहे होंगे कुछ, फिर पर मेरा दिमाग तो वही रहा कि भाई ये मैं आया और क्या लिखा, बस मेरे दिमाग में एक बात ही रही, बाकी क्या नियम पढ़े मुझे पता भी नहीं है कि भाई मैं आया जब आखिरी में क्या लिखा गुरुजी ने, वो दिमाग में रहा। तो गुरुजी ने एकदम फिर वो आखिरी नहीं बोले आखिरी नियम, बोले आखिरी नियम में लिखा हुआ था जो मंदिर के आसपास से शाम को होते हुए गुजरते हैं वो मंदिर होके अवश्य जाएं। तो उस दिन फिर गुरुजी ने मेरे को जैसे पकड़ लिया कि भाई ये ऐसे मानेगा नहीं, इसको पकड़ना पड़ेगा, तो वो बोले ये नियम आखिरी आपके लिए है, तो तब से मैं सुबह भी आने लगा फिर शाम को भी आने लगा। तो ऐसे जब आप आते गए आते गए तो ऐसे कई अनेक प्रसंग भी बने होंगे गुरुजी के साथ के, उस बारे में कुछ जो गुरुजी ने स्मृतियां दी होंगी कई कुछ बताएंगे? हम जैसे शाम को आते थे सैटरडे संडे 103 में था वहाँ खाना चलता था, तो जैसे मंदिर गया मंदिर का हिसाब से खाना शाम को चलता, तो हमको ये लगता था कि यार ये ठीक नहीं है कि सुबह और शाम मतलब शनिवार को इतवार को दोनों सभा होती है और खाना भी चालू हो जाए, फिर हमने कहा कि ये शाम का खाना होना नहीं चाहिए, तो ठीक है सब अपने घर से बना के आएंगे 7:30 आते हैं, तो फिर उसके बाद गुरु जी ने कहा चलो देखते हैं, फिर चेंज करा कि भाई ये ठीक है अब सब, मगर मंदिर था जैसे जैसे बढ़ता चला गया वैसे वैसे सब कुछ, शनिवार को तब उस हिसाब से बंद भी करा कि भाई ठीक है खाना नहीं रखो, सबने कहा हाँ ये बात ठीक भी है, तो उसमें बात बनी। मंदिर धीरे धीरे आपने बोला बढ़ता चला गया, जी जी समाज बढ़ता चला गया, आप उसके साक्षी भी होंगे, जी जी तो किस तरह से मतलब गुरु जी का परिश्रम रहा जो ये मंदिर के डेवलपमेंट में और एक जो समाज तैयार किया? गुरु जी का एक ही भाव था कि कुटुंब भावना होनी चाहिए कि भाई जो जुड़ने चाहिए तो सब जुड़ जाएं, तो
सब में एकता रहती है, आपस में मिलजुल के रहते हैं। तो धीरे धीरे चाहे साल में एक फैमिली बढ़े चाहे दो फैमिली बढ़े, गुरुजी वो ये नहीं था एक साल में कोई 50 फैमिली आ जाए, वो धीरे धीरे सबका कुटुंब भाव से जुड़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो सब उस भाव से जुड़े तो अच्छा रहता था। आपने बताया कि गुरुजी अपार्टमेंट भी बहुत आए उन दिनों में, जब आप धीरे धीरे सत्संग में आना शुरू होता था, गुरुजी अपार्टमेंट भी काफ़ी आते थे, तो उस टाइम का क्या माहौल था जब गुरुजी अपार्टमेंट में आते थे? गुरुजी अपार्टमेंट में आते थे तो जैसे भजन वाले करीब गाने वाले कोई एक वो होता भी नहीं था, तो एक राकेश भाई का एक आध बार वहाँ भजन सुना गया कि भाई ये बहुत अच्छा भजन गाते हैं, राकेश भाई और उनके भाई देवेश भाई। तो प्रज्ञा भाभी जो है वो शोभना के जुड़ गए थे तो वो मंदिर आया करते थे, तो राकेश भाई के बुला के फिर भजन सुनते थे, तो तब वो राम के भजन सब गाया करते थे, तो धीरे धीरे वो सत्संग बढ़ता गया और भजन का हो गया, तो राकेश भाई भी फिर धीरे धीरे आना हुआ है। हमारे बाद कौशिक भाई, राकेश भाई, ये सब बाद में एकदम जुड़े। प्रकाश भाई, इतने सालों में कई ऐसे एक्सपीरियंस भी हुए होंगे आपको गुरुजी के मंदिर के, वो कुछ बताएंगे? गुरुजी के साथ आप कई बार विचरण पे भी गए हैं, पंजाब, छपैया, गुजरात, तो तकरीबन समझो कि सभी ट्रिप में मैं तकरीबन ड्राइविंग के उस पर होता ही था और गुरुजी के साथ हमेशा रहता ही था। तो मेरे पास गाड़ियाँ बहनों की, गुरुजी की गाड़ी तो जोधा भाई ये वगैरह चलाते थे, आशीष उस टाइम चलाया करते थे, हम दूसरे बहनों की गाड़ियों पे गया करते थे, तो गुरुजी को एक रहता था भाई ये बहनों की गाड़ियों पे कोई भाई लोग अपने घर के हुए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो बस तब गुरुजी के साथ विचरण में रहते थे तो गुरुजी के साथ धीरे धीरे अटैचमेंट भी हमारा फिर बढ़ता चला गया, सारा कुटुंब हमारा जुड़ गया। फिर एक बार गुरुजी जब बाहर जाया करते थे तो तकरीबन मेरे को बोलते थे भाई मंदिर आप रुकना, तो गुरुजी ने एक छपैया की ट्रिप करी थी, तो यहाँ से सब खाना वाना सब यहाँ से टेम्पो भर के सब गए थे वहाँ पर, पूरा 4-5 दिन का ट्रिप था वो करा, तो वापसी में करीब गाड़ी 17 घंटे लेट थी। तो अब सबको ये हुआ कि भाई गुरुजी कहाँ रुकेंगे और सारे कहाँ रुकेंगे, तो गुरुजी को बोले भाई आप चाहो, गुरुजी वहाँ से मना कर रहे थे भाई सवारी भगत यहाँ पर हैं, मैं जाऊँगा तो अच्छा नहीं लगता, मगर फिर सब ने कहा तो गुरुजी बाय फ्लाइट दिल्ली आ गए। तो जैसे ही दिल्ली आए तो एयरपोर्ट से सीधे जैसे ही आए गुरुजी फ्रेश होके नहा धो के तुरंत फ़ोन लेके बैठ गए कि वो सकलानी साहब अपने जानने वाले थे कि भाई किसी तरह भी ट्रेन को जल्दी से जल्दी यहाँ लाया जाए, और हर घंटे 2 घंटे की रिपोर्ट गुरुजी लेते रहते थे। तो मुझे प्रसंग में बहुत अच्छा लगा कि गुरुजी ने हर घंटे 2 घंटे सारी रात भी बैठे रहे, फिर गुरुजी एकदम ख्याल आया, फिर सकलानी साहब को फ़ोन करा कि भाई हमारे भारी भक्तों के पास कुछ खाने को नहीं है, तो अगर सब्जी और पूरी का भी प्रबंध हो सके तो बहुत अच्छा होगा। तो फिर पता चला कि भाई मैं करता हूँ, उन्होंने सकलानी साहब ने कहा, फिर उन्होंने कोई स्टेशन पर किसी को बोला कि भाई ऐसे इतने जने आ रहे हैं उनके लिए पूरी सब्जी का अरेंजमेंट भी उन्होंने कराया, तो वहाँ पर भी वो आवाज़ लगाता रहा स्वामीनारायण वाले कौन है, स्वामीनारायण वाले कौन है, उनका खाना आया, उनका खाना आया, तो सब हरिभगत लोग भी राजी हो गए। तो उस टाइम मेरा मन तो ऐसा भरा आया, मैंने कहा लो वहाँ हरिभगत जितने परेशान हो रहे होंगे और गुरुजी ने खाने का प्रबंध भी करा दिया तो खुश हो गए होंगे, खाना भी हमारे को मिल गया। और सब जैसे ही सुबह सुबह सब पहुँचे तब सब यहाँ पर कुछ चाय का ये वो सब प्रबंध करा के रखा हुआ था। प्रकाश भी इतने सालों में कई ऐसे एक्सपीरियंस भी हुए होंगे जो आपको खूब टच भी कर गए होंगे अंदर तक, मंदिर के साथ के या गुरुजी के साथ के, ऐसे कुछ बताइए? मतलब एक तो गुरुजी ने स्वदेशीयता रखी है, सब स्वरूपों के दर्शन उन्होंने ऐसे कराए कि सबको आदमी ऐसे कि सबके स्वरूपों के दर्शन ऐसा कराया कि सब कि कभी ऐसा नहीं कहा कि भाई ये ऐसे हैं ये वैसे हैं, सबके स्वरूपों का उन्होंने दर्शन कराया हमारे को कि सब बड़े हैं और कहीं भी आप जाओ तो अपनापन लगता है कि सब अपने हैं, वो यहाँ आए तो उनका परिचय के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती कि इनका परिचय दो कि ये कौन आए हैं। सब सब सेंटरों का उन्होंने और कहीं भी सेंटर पे जाए सबको अपने साथ ले जाते थे, ऐसा नहीं था कि ये गरीब वगैरह नहीं जाएगा जाएगा, सब सेंटरों से आते तो सबको परिचय हो जाता था कि हाँ भाई ये दिल्ली वाले हैं और सारा।
मतलब सत्संग में आने के बाद आपको खुद की लाइफ के अंदर क्या चेंज महसूस हुए, मतलब आप जो जब गुरु जी से मिले उससे पहले की आपकी लाइफ और उसके बाद सत्संग में धीरे धीरे आप बढ़ते गए, तो उसके अंदर क्या आपको खुद के अंदर, मतलब मेरा जो एक बड़ा स्वभाव था कि भाई मुझे गुस्सा बहुत आता था, और हम चांदनी चौक में होता करते तो तकरीबन चांदनी चौक की सेवाएं मेरे को 90% मिलती थी। कभी आधे रास्ते आ गया तो मेरे को फ़ोन आ जाता था, भाई कभी हार ले आओ, आज कभी आने वाला है, तो मैं फिर वापस जाके हार ले आता था। धीरे धीरे वो सब फेड आउट हो गया, मेरा गुस्सा आना, बड़ा बड़े प्रेम से सबसे मिलना, चाहे छोटा हो बड़ा, सब का प्रेम रहता था मेरे को। तो धीरे धीरे उस स्वभाव में भी बड़ा परिवर्तन आ गया हमारे, तो सबको अच्छा लगता था। हम यहाँ सेवा में रहते थे, फिर मेरा दोस्त राजू था वो भी यहाँ पर सेवा में आ गया, किचन की सेवा में मैं, हमारा राजू भाई, विनोद भाई, हम रहते थे। तो गुरुजी को भी ये होता था चलो एक किचन की सेवा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब स्मूथ चलता है। सबके चाचा कैसे बन गए, एक बब्बू चाचा कितनी जब सत्संग में आए तब भी चाचा, अगली पीढ़ी आ गई उनके भी चाचा, उनके बच्चे आ गए उनके भी बब्बू चाचा, तो कैसे, बहने भी बड़े प्यार से बब्बू चाचा, तो वो कैसे हो गया? वही जब छोटे थे तो सागर वगैरह इताल ये सब बबू चाचा करते थे, तो सबने नाम ही रख दिया बबू चाचा, और सबसे प्रेम बच्चों से सबको ऐसे ही रखा हुआ था, तो मेरा सबके साथ ऐसे ही रहता था कि सब बच्चे हैं सब अपने हैं, तो सबने सब प्रेम से ही बुलाते थे बबू चाचा बबू चाचा। ये तो बात हुई बबू चाचा की, तो जैसे आपने बताया कि आप घर पे सागर धारू हेदल आपको चाचा चाचा बोलते थे, तो करते करते आज सत्संग की जो नई पीढ़ी आ रही है वो भी आपको चाचा चाचा बोल रही है, तो उन बच्चों के साथ के कुछ प्रसंग हैं आपके? जो बच्चों में एक बार नक्शू साइकिल चला रहा था तो जयप्रकाश जी ने पीछे पकड़ रखा था, तो उसको साइकिल सिखा रहे थे, तो मैंने फिर गुरुजी को बोला ये ऐसे साइकिल सीख नहीं पाएगा, अगर पकड़ पकड़ के चलाते रहेंगे तो ये सीख नहीं पाएगा, या तो इसको एक बार गिरना पड़ेगा या इसका खोलना पड़ेगा इसको। तो गुरुजी बोले एक काम करो तुम एक दिन सुबह आ जाओ और इसको साइकिल सिखा दो। मैं एक दिन सुबह सुबह आया 9:30 बजे, तो बोले चलो ऊपर हॉल में ही रहते थे, तो बोले चलो साइकिल चलाना सिखाओ। तो नक्शू बोला चलो धुन करते हैं, पहले ने धुन करी, फिर बहुत अच्छी धुन करी उसने, काका जी मुझे साइकिल सिखा दो, धुन करके साइकिल चलाना उन्हें चालू करा। तो मैंने इसको कॉन्फिडेंस दिया, मैंने पकड़ के रखूँगा तो चिंता मत करो गिरेगा नहीं तुम, तो इसको भी दिमाग में आ गया कि भाई मैं गिरूँगा नहीं तुम चिंता नहीं। तो इसने 2 राउंड काटे होंगे और जैसे ही 2 राउंड काटे मैंने पीछे से छोड़ दिया, तो इसने देखा नहीं साइकिल चला रहा था। फिर जब वापस आया तो इसने देखा कि अरे मैं तो दूर खड़ा हुआ हूँ, तो मैंने कहा तू चिंता नहीं कर मैं तेरे पीछे हूँ तू गिरेगा नहीं तू चलाता रहे। तो ये साइकिल चलाता रहा फिर इसको एकदम कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई अब मैं साइकिल सीख गया हूँ, क्यों जब तक बैलेंस इसे अपने आप बनाना नहीं आएगा तो इसके दिमाग में हो गया कि अब मैं साइकिल चलाता सीख गया। इसी तरह पुनीत का बेटा तो ऐसे ऐसे मजाक मेरे से करता रहता है, तो मैंने सोचा क्या चाहिए तेरे को, तो मैंने कहा उसको डाइस का बहुत शौक है, तो बाबू चाचा मुझे डाइस ला दो। तो मैं एक दिन डाइस लिया तो पुनीत कहने लगा तुमने डाइस कैसे मंगाया, बोले तुम ला के नहीं दोगे तो मैं तो बहू चाचा को बोल दूंगा वो ला के देंगे मेरे को, मैं कुछ और चाहिए तो बता दीजिए डरियो मत तू पापा से, बोले हाँ 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 बिल्कुल। प्रकाश भाई गुरु जी के साथ आपको, जैसे आपने इंडिया में तो कई ट्रिप कराई हैं, पंजाब आप कई बार गुरु जी के साथ हुआ है, मसूरी मनाली गुजरात, गुरु जी के साथ आपने विदेश यात्राएं भी करी है, तो उस बारे में कुछ बताएंगे उस दौरान कुछ हुआ हो या कैसे विदेश यात्रा का बना? गुरु जी के साथ काका जी का ये जो शताब्दी मनाई थी उसके लिए पेरिस का और लंदन का रखा हुआ था, तब हम यहाँ से सेवा में गए थे, तो यहाँ भी हम किचन की सेवा में होते थे, वहाँ पर भी गुरुजी ने जब वहाँ गए तो बोले वहाँ पे भी किचन में कम आदमी पड़ते थे उनको, तो मैं और राजू भाई वहाँ किचन की सेवा में रहते थे, तो वहाँ पर वो सब डिस्पोजेबल चलता था क्योंकि वहाँ ज़्यादा, तो वहाँ सारे डिस्पोजेबल का सब हम अलग 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 करते थे, तो सारा रख के वहाँ पर सबको खाने के लिए हम उनके लिए हेल्पफुल रहते थे वहाँ पर। वहाँ पे सभा में तो हमारा कम होता था क्योंकि हम सेवा में रहते थे,
बाकी जब ट्रिप निकलता था घूमने तब उसके साथ हम निकल जाते थे, नहीं तो वहाँ सेवा में रहते थे। आपकी और राजू भाई की दोस्ती बहुत मशहूर है सत्संग के अंदर, इस बारे में कुछ बताएंगे? मतलब मैं और राजू चांदनी चौक में ऊपर ही नीचे रहा करते थे, तब शायद 70-71 की बात होगी मेरे ख्याल, तब हमारे बराबर में चंद्रकांत भट्ट रहते थे कोई, जो अपने गिरीश भाई आते हैं उनके मकान पे वो किराए पे रहते थे। तब गुरुजी मेरे ख्याल हम इतना पता था भाई स्वामीनारायण के संत आते हैं, शायद तब हमने उनको देखा होगा, हमें याद नहीं है, मगर इतना पता था भाई ये कपड़े पहन के स्वामीनारायण के संत लोग वहाँ आते हैं, हम गली में खेल रहे होते थे, तब स्वामीनारायण के संत कभी कभी गुजरते थे तो हम कहते थे भैया स्वामीनारायण के संत है ये, तो हमें पता भी नहीं था तब इतना, और दिल्ली में इतना कुछ वो भी नहीं था। तो मैं और राजू तब चांदनी चौक से ही साथ में ही पढ़ते थे, ऊपर नीचे रहते थे, तब से हमारी दोस्ती है और तब से आज तक 50-60 साल हो गए चली आ रही है, क्योंकि हमारा दोनों का चाहे झगड़ते हैं चाहे लगड़ते हैं हमारा स्वीकार है, ना ना भी करेंगे तो भी कर देंगे और हाँ हाँ करेंगे तो करना तो है ही है, तो आपस में ऐसा रखा हुआ है कि भाई चलो कि भाई कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ करना है तो चलो तू और मैं दोनों मिलके करेंगे तो काम हो जाएगा। ये जो मिलकर करने वाली बात है ये गुरुजी ने भी सत्संग में इस बात पर बहुत जोर दिया है, तो उस बारे में कुछ बताएंगे? सत्संग में मिल के काम करेंगे तभी उसका जमात करामाती होती है, अगर हम सब साथ मिल के करेंगे तभी वो एक हाथ से तो कुछ भी काम नहीं होता। मैं सोचूं कि आज सारा काम मैं ही कर लूँगा वो पॉसिबल नहीं है, जमात करामाती होती है, तब सब मिलके करते हैं तभी वो काम बेड़ा उठता है, तो तभी पार होता है। प्रकाश भाई इतने सालों के अंदर कई ऐसे प्रसंग भी बने होंगे, कई गुरुजी ने आपको स्मृतियाँ भी दी होंगी, आपको कई एक्सपीरियंस भी होंगे, कुछ बताएंगे प्रसंग जो इतने सालों में कुछ घटे? एक बार जब मूर्ति प्रतिष्ठा के टाइम पे मूर्तियों के लिए हम जयपुर जाते थे, तो एक बार गुरुजी टेम्पू ट्रेलर में जयपुर गए थे, तो वहाँ पर थोड़ी देर सब मतलब मूर्तियों का सब देख के उसके बाद शाम को सब थोड़ा बोले मार्केट रुक जाते हैं, तो सब उतर गए तो गुरुजी ने ये कहा भाई आप आधा घंटा करके सब आ जाओ, तो सब जब उतर गए तो आधा घंटा पौना घंटा गुरुजी बार बार कहने लगे जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, तो मगर जब मार्केट में लेडीज़ वगैरह चली जाती है तो बड़ा उस करते करते भी एक घंटा लग ही गया, मगर गुरुजी बार बार कहते रहे जल्दी करो जल्दी करो, मगर तब सबको ऐसा हुआ पता नहीं क्यों जब उतरे थे, तो फिर टेम्पू ट्रेलर चला तो तकरीबन समझो हाईवे पे आने के 8-10 किलोमीटर पे आए होंगे, तो हमारे आगे एक ट्रक जा रहा था और उसमें से एक पत्थर उड़ा और सीधा टेम्पू ट्रेलर के शीशे पे गिरा के, तो टेम्पू ट्रेलर का शीशा जो है चकनाचूर जैसा हो गया और उसमें से दिख ही नहीं रहा था, फिर हार करके उसको सारे शीशे को तोड़ना पड़ा और तब हम टेम्पू ट्रेलर लाए तो उसकी जो गर्म हवाएं फेंक रहे थे, फिर हमने चादर लगाई कि इतनी हवा तेज़ आ रही थी क्योंकि टेम्पू ट्रेलर 70-80 की स्पीड से चले तो हवा इतनी तेज़ आ रही थी कि अंदर, फिर चादर लगा के आगे कि भाई हवा कम आए ऐसे करके लाए, तो फिर तब लग रहा है भाई सतपुरुष अगर हमसे कह रहे हैं जल्दी करो तो उसके पीछे कुछ होता है, मगर हम समझ नहीं पाते, मगर वो बाद में पता चलता है कि अरे ये तो हम गलती कर गए, ये हमारे को उस टाइम जल्दी निकल जाना चाहिए था। मैं तो टेम्पू ट्रेलर में बैठा था जब गुरुजी कह रहे थे, मैं तो परचेजिंग करने गया था, लेडीज़ लोग उतरे थे थोड़ा, तो हमारे को ध्यान रखना चाहिए कि भाई अगर कुछ कहते हैं तो उसको बात को हमारे को ध्यान रखना चाहिए। ऐसे ही गुरुजी मैं चांदनी चौक जाता था तो तकरीबन जिसको भी सामान चाहिए बहनों को चाहिए तो उनका फ़ोन आता था, स्वामी संतों को चाहिए तो उनका फ़ोन आता था भाई ये लेते आना, तो जैसे भी मंदिर आओ तो गुरुजी ने एक बात कह रखी थी कि भाई आप अपनी तरफ से लाए हो तो वो कोई बात नहीं है, अगर मंदिर से फ़ोन गया है या मंदिर से कुछ मंगाया है तो आप उसके पैसे बगैर किसी सोच के ले लेना, अचूक व्यवहार में कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए कि भाई मैंने ऐसा करा और ऐसा नहीं हुआ, कि जो मंदिर ने मंगाया वो आप मंदिर से पैसे ले लोगे और जो आप अपनी तरफ से लाए हो या सेवा करिए वो बात अलग है, व्यवहार में गुरुजी ने कभी रखा नहीं कि भाई व्यवहार अगर ये रखोगे तो लंबा टिकेगा नहीं तो बाद में मन में भेद आ जाएगा।
तो ऐसा गुरुजी ने रखा था, तो शुरू से रखा है, मैं कम से कम 8-10 साल परचेजिंग करी होगी, अगर कभी नहीं, जब भी जो पैसा हो गुरुजी कहते थे आप ले लो। और उसके बाद जब हमारी दुकान खुल ली तो दिवाली के दिनों में गुरुजी तकरीबन, मेरे ख्याल कोई ऐसा साल मेरे को ख्याल नहीं है, कभी एक आध साल रह गया हो तो रह गया, नहीं तो रेगुलर, जबकि हमारे कोल्हापुर में तो इतना बुरा हाल होता है, चांदनी चौक से भी बुरा हाल होता है कि पैर रखने की जगह नहीं होती, गाड़ियाँ आनी बंद हो जाती हैं, फिर भी गुरुजी हर साल आके अपने को एक हुफ दे जाते थे, भाई चलो दुकान में खर्चा ज़्यादा पड़ता है तो महाराज अपने प्रार्थना करें तो दुकान अच्छी चल जाए। उस हिसाब से मेरे को ये लगता है कि हमारे को जीवन में सत्पुरुष मिले तो हमारे को आगे बढ़ाने के लिए ही प्रेरणा देते रहते हैं। प्रकाश भाई, अभी आपने बताया इतने प्रसंग गुरुजी के साथ के आपके जो बने, ऐसे ही जो गुरुजी ने यहाँ पे समाज की रचना करी है, तो ऐसे कुछ प्रसंग आपके जो सत्संगों के साथ भी, उनके साथ जो आपका इंटरेक्शन हुआ इतने सालों में, सत्संगियों के साथ के भी कई प्रसंग बने होंगे, उस बारे में कुछ बताएंगे, जो जिस बेस पे गुरुजी कहते हैं कि सत्संगी हमारी जात हमारी नाम, उसका कुछ बताएं। जैसे हमारे एक संगीता भाभी पवन भाई आते हैं, तो बीच में संगीता भाभी बहुत बीमार रहते थे, तो हम जॉइंट फैमिली रहते थे, तो निर्मला और मैं उनको कभी हॉस्पिटल में कभी कहीं, तब उनको जहाँ भी होते तो हम चले जा करते थे या कुछ ले गए, कभी भी बीमार होते तो ये निर्मला सेवा में चली जाती थी उनको, तो उनको अंदर से एक भावना हो गई कि भाई ये मेरा बेटा जैसी सेवा करता है, उन्होंने मेरे को अपना बेटा जैसे ही मानने, बेटा सत्संग का बेटा मानने लगे, कोई हमारा बेटा ही यही है, आज भी उन्होंने वही भाव रखा हुआ है। इसी प्रसंग में हमारी 25वीं एनिवर्सरी थी, तो गुरुजी ने कहा भाई मैं तो पंजाब जा रहा हूँ, तो फिर आगे मनाएंगे आपकी एनिवर्सरी, ऐसा बोला 25वीं एनिवर्सरी, तो मैंने कहा जी जैसा आपका हो ठीक है, पर गुरुजी तो पंजाब चले गए। बाद में दीदी ने बुलाया और कहा भाई ये तुम्हारी टिकट है और तुमको पंजाब जाना है, गुरुजी टिकट दे के गए, तो फर्स्ट एसी की टिकट कराई गुरुजी ने, फिर हम वहाँ पहुँचे तो सब स्टेशन पे हमारा स्वागत हुआ, हार वार पहनाया गया, फिर वो गुरुजी ने कहा हार पहन के ही आना है, वहाँ से हार पहन के फिर अशोक जी के घर पहुँचे, तो वहाँ पर संगीता भाई पवन भाई भी पहुँचे हुए थे, फिर उन्होंने वहाँ पर हमारे को टीका करा, आरती करी, फिर हमारे को अंदर ले गए, फिर गुरुजी ने वहाँ केक वेक वो सब काटा, वो प्रसंग करा, तो बस ऐसे कुटुंब भावना जैसा लगता है कि भाई सब अपने अपने, और जब उन्होंने बेटा माना तो उन्होंने भी वैसे ही प्रसंग करा, जो उन्होंने गिफ्ट दिया वो सब उन्होंने वहाँ पे प्रसंग करा, तो ऐसा लगता है बहुत कुटुंब भावना वाला सत्संग है। फिर एक रद्दीदान के लिए था, और रद्दीदान में कौशिक भाई हमेशा रोज सबको फ़ोन करे कि भाई आप आओगे आप आओगे, तो कौशिक भाई का मेरे पास फ़ोन आया तो मुझे अच्छा नहीं लगता था कि भाई फ़ोन करें, तो मुझे मैंने कहा कौशिक भाई आप मुझे फ़ोन नहीं करोगे, अगर मेरे को नहीं आना होगा तो मैं आपको फ़ोन करूँगा, मैं आज नहीं आऊँगा, नहीं तो मेरा फ़ोन नहीं आवे तो आप समझ लो मेरा नाम लिख देना है आपको, तो उनको ये होता चलो ये बात तो अच्छी है, मैंने कहा नहीं मेरे को नहीं आना होगा तो मैं आपको फ़ोन करूँगा, ये अपना अपन कि भाई हम सेवा में हैं ही हैं, आप खाली हमारी मजबूरी होगी तो नहीं आएंगे, नहीं तो परमानेंट लिख लो। प्रकाश भाई और कुछ शेयर करना चाहेंगे जो आपने अनुभव करा हो सत्संग में? सत्संग में मैंने देखा है कि जैसे अभी एक प्रसंग बहुत नया नया हुआ, थोड़ा टाइम भी हो गया, कि अभी गुरुजी सबको मसूरी ले गए थे, तो मैंने देखा कि अहमदाबाद मंडल तकरीबन सारा ही वहाँ आया था, और इच्छा मेरी कम थी जाने की, मगर दीदी ने कहा कि नहीं चलना ही है आपको, तो फिर मैं भी वहाँ पर चला था, तो वहाँ पर गए, तो जब हम आगे घूमने गए थे तो भाई मैसेज आया कि धीरज भाभी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो वहाँ पर डिस्कशन होने लगा भाई क्या करें, दिल्ली ले जाएं या
क्या करें, डॉक्टर से बात करी है तो चल रही थी, तो इतने में फिर वो तबीयत बोले ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो बोले दिल्ली ले जाएं। बोले गुरुजी ने फिर कहा अगर दिल्ली में दिल्ली ले जाएंगे और रास्ते में कुछ हो गया तो फिर क्या करेंगे। तो फिर ऐसे डिस्कस चलता रहा, फिर बोले चलो होटल चलते हैं, वहाँ जाके डिस्कस करते हैं क्या करना है आगे देखते। तो जब होटल पहुँचे तो उनकी तबीयत एकदम ही ख़राब हो गई और उन्होंने शरीर वहाँ पर छोड़ दिया था। तो बाद में पता चला भाई धीरज भाभी की ऐसी इच्छा थी कि जब भी वो शरीर छोड़ें तो अहमदाबाद मंडल सारा होना ही चाहिए। तो सारा अहमदाबाद मंडल वहाँ पर उस टाइम हाजिर था और मैं भी था, तो मैं भी वहाँ फिर कहा कि भाई मैं यहाँ तो कुछ नहीं होगा तो हरिद्वार जाएंगे। तो हम फिर सब पहला ग्रुप हम सब वहाँ जाके तैयारी करने के लिए एडवांस में हम सब आ गए, हमने वहाँ तैयारी करी सारी, बाद में लेके आए वहाँ पर सारा प्रसंग आया। सारा ऐसा लगा जैसे भ्रम नियंत्रित है, जो उनकी इच्छा थी उस हिसाब से सब हुआ कि भाई इन्होंने शरीर छोड़ना, अहमदाबाद वाले सब होने चाहिए। तो हम देखते हैं कि भाई ऐसा है। मंदिर में भी मैंने ऐसे देखा है, जैसे अपने मलकानी साहब हैं, उन्होंने भी खूब सेवा करी, मगर कभी उनसे कहो भाई क्या, जैसे गुरुजी का नियम है भाई और मंदिरों में जाओ तो पंखे दिए हैं तो पंखों पे नाम लिखे हैं, मगर मलकानी साहब ने भी इतनी सेवा करी, कभी उन्होंने कहा भाई मेरा नाम, कभी भी उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि, जबकि इतने बड़े पुरुष होने के बावजूद, बल्कि हमारे से एक आध दो प्रसंग बन गए तो उनसे हमारा रिलेशन ज़रा अलग सा बन गया। बल्कि वो निर्मला को बल्कि कृष्णा करके बुलाते थे, उनको अच्छा लगता है और उसको मिल के अच्छा लगता है। प्रीति के साथ भी उनका रिलेशन बहुत अच्छा है, दारू को भी वो बुलाते हैं। तो सब लगता है कि गुरुजी ने सब, जबकि वो उनकी अगर सुनो तो किसी से बात नहीं कर रहे, और अब इतने कोई भी मिल जाए उनसे हाथ मिला के प्रेम से बात करते हैं। मैंने देखा मलकानी साहब ने तो सत्संग को बिल्कुल अपने जीवन में उतार रखा है। प्रकाश भाई, आखिर में कोई ऐसी बात जो आप अभी तक आपने गुरु जी को ना करी हो और आप करना चाहते हो, या दीदी को कोई ऐसी बात जो आपने ना करी और अभी तक आप उनको कहना चाहते हो? दीदी से तो मेरा कोई भी प्रसंग हो मैं कभी छुपाया ही नहीं है कि मैं बिल्कुल खुली किताब, जैसे अगर दीदी के पास हो तो खुली किताब मेरी, मैं कभी अगर मैं गलत भी हूँ तो मैं अपने जाके कहता हूँ मैं गलती कर गया हूँ, और ऐसा कभी मैंने, और कुछ होता भी है तो मैं दीदी के पास जाके बात कर लेता हूँ कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो दीदी उसका सोल्यूशन भी कर देते हैं कि ऐसा नहीं है, आप सोच ऐसा रहे हो कभी भी। और गुरु जी के साथ भी कुछ हुआ तो मैं दीदी से बात कर लेता हूँ तो दीदी बताते तो नहीं ऐसा नहीं है, गुरु जी कभी ऐसा सोचते भी नहीं। गुरु जी से मैं कम बात कर पाता हूँ खुल के, मगर वो दिव्य पुरुष हैं, वो सब जानते हैं। कोई बात जो अब आप कहना चाहते हो? नहीं, सतपुरुष हैं, उनको सब पता है, हमारे को बताने की जरूरत नहीं है। जय स्वामी।